चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया के साथ प्रार्थना करते हुए हुकूमत की कान खोल कर सुन ले। पाकिस्तान बनाने वाले अहले सुन्नत हैं, पाकिस्तान बचाने वाले अहले सुन्नत हैं। और चाहता हूँ अभी यही कराची कान खोल कर सुने वाले कराची तोड़ा तोड़ा की पहाड़ियाँ मिलते कराची अफगानिस्तान में कराची मुसलमानों का बेदार मुसलमानों का शहर है। हम बताना चाहते हैं हमने अगर अफगानिस्तान की सरजमीन की तरह अगर इनको यहाँ पर सरहद की तरह और फ्रंटियर के इलाकों की तरह अगर ये सरजमीन करा दी थी उल्टा का रफ्तार नाम बना दी जाए तो खुदा का कसम इसमें कुत्ते को देते हो खुल देना। बताना चाहिए चाहता हूँ याद रख लो पहले मेरी मिलक का नौजवान बेदार है तन तक तो मेरी मिलक के नौजवान से जो सवाल किया जाता था क्यों करते हो आज मेरी मिलक का नौजवान गाँव का लाभों पर झंडों पर मेरे बाल बंदा करके पूछेगा इंसान बताओ जब रब ने मिला को मना नहीं दिया अल्लाह के रसूल ने मना नहीं दिया किसी युद्धा का क्या ख्याल है मना नहीं दिया। और ये भी सुन लो मुफ्ती नहीं लो मेडल जमी वाला प्लान हम पर सुने कि किसने हमें यह मशवरा दिया कि हम सुपर हाईवे पर जाकर जुलूस निकाले। अरे पूरा पाकिस्तान हमारा है जहाँ सब लोग जुलूस निकालेंगे कौन मशवरा देने वाला होगा। एक इंसान आपको कहना चाहता हूँ कि वो प्लान छोड़ कर सुन ले मुफ्ती नहीं ये बात आता है कि मेरे मदरसों में 5,000 बच्चे हैं मैं उन्हें भेजूंगा लोगों के लिए काम छोड़ कर सुन लो 5,000 में से चंद लोग ही वापस जा सकेंगे वो चंद लोग ही होंगे जो वापस जाएंगे इंशाअल्लाह। अब हमारे सफर का पैमाना ये बता देना चाहते थे हुकूमत से हमने पहले भी मुतालबा किया मुतालबा का आप मुजम्मिल हमेशा ये बात की जानकारी नहीं रही देखो हम पूरा मन देखो हमने हमेशा अमन को हाथ में रखा है कभी भी अमन के दामन को हाथ में नहीं छोड़ा हम कभी भी सही ज्यादा नहीं थे लेकिन आप बताना चाहते थे अगर मैं किसी तरह रही थी तो मैं बता देना चाहता हूँ सुन ले आप ये मजमा देख कर अंदाजा लगा ले ये जो 24 घंटे के मुख्यमंत्री नोट नोट पर था और ये पाकिस्तान हर में हर जगह सबसे पहले अपने अपने जिम्मेदारों को था ये हमने पूरा मन है मेरी गाड़ी हम बताना ही चाहते हैं कि हमारी मर्जी पर महावियों का नाजियों का बेबंदियों का कर्जा सारा खत्म किया जाए और हमारी मर्जी हमें वापस दी जाए। आपका महावीर की आखिरी बात आप हमारी भी खिताब करेंगे तो आखिरी बात करूंगा आप आज जिस तरह है तुम संजय में उठाते हो इस वजह से तुमने संजय उठाए अरे याद आपको बता सही बात है जब ये नुकसान देकर जाना चाहता हूँ कि देखो जब हमारे मुंह का झंडा किसी इमारत को तो ले रहा हो हिल रहा हो तो अलामत होती है ये मुल्क बात का झंडा है आज सवाल होता है तो झंडे क्यों उठाते हो झंडे क्यों बुलंद करते हो देखो झंडा बादशाह के हयात पर गुना होता है बादशाह के मर जाने पर जिंदगी होता है हमारे मुल्क में एक ही मरतबा एक ही बात का हमारा ख्याल रहा उसके बाद कोई भरम नहीं लोगों ने कोशिशें भरी थी कि मर जाए ये सीटों में कोई मरने को तैयार नहीं हुआ कि बताना ये है कि जब बादशाह मर जाता है होता क्या है होता ये है कि परचम को सिरनगू कर दिया जाता है बादशाह का मर जाना परचम के सिरनगू होने की अदालत है और परचम सुलभ हो बादशाह के हयात की जमी होती है ये परचम बुलंद करते इस चीजें का इजाद करते हैं हमारा नबी जल्दी मिल जाता आज ही मिल जाए क्या का सिंदर नारे तकबीर नारे रिजवान जिम्मेदार
साथी भाई इंतजामिया के लोग और सोनिया का दर्द रखने वाले भाई भाई को आऊंगा। अजान होने के अजान के बाद बम धमाके करें, फायरिंग कर लोगों को शहीद करें या हम धमकियां दें। जनाबे वाला हम ये बात बताना चाहते हैं कि आपने पहले भी हम धमाका करके देखा इसमें जमीन मेरे की पूरी क्या शहीद हो गई, लेकिन बारह लोगों ने बनाना सुन्नियों ने नहीं छोड़ा। अगर आप ये समझ गए हैं कि अगर आप हमें सिलसिला नहीं रोका और इसी तरह के खिलाफ आप अपना बात कर रहे हैं तो आप यकीन करें कि सुनी तेरी के प्रार्थना हम संस्कार का जोर होते हैं कि अमन मंडल से बोले हुई थी तो सुनी तेरी के अभिनय है। हमें इस बात का जोर हो जाता है कि इसके अलावा हो रहे हमें भी ज्यादा दी जाए। हम भी इनको मुंह तोड़ तोड़ा बना जानते हैं, हम भी इनको जवाब देना चाहते हैं। जनाब आला हम ये बात बताना चाहते हैं ये इंतजामिया ने हमें बहुत बड़ी इंतजामिया ने आला अगर आप नहीं मालूम रूप हम बनाते हैं लेकिन आपको देखा होगा कि सुनी तेरी के चाहे वो नहीं हो या वो नहीं उनसे लड़ना चाहते हैं, उनको मुंह देना चाहते हैं।